ये तो बस सर ही मांगता है मियाँ, इश्क पर करबला का साया है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी सेहतयाब होंगे और वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ गए हैं कि ये वीडियो जॉन एलिया के ऊपर होने वाली है। सैयद हुसैन जॉन असगर नकवी उर्दू के एक आला शायर थे। इनकी पैदाइश 14 दिसंबर सन 1931 में अमरोहा यूपी में एक शिया मुस्लिम खानदान में हुई। जॉन एलिया अब तक के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले शायरों में शुमार हैं। जॉन हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कई ममालिक में पढ़े जाते हैं। जॉन एलिया के वालिद अल्लामा शफीक हसन एलिया एक बड़े शायर गुजरे। 5 भाइयों में सबसे छोटे भाई जॉन ने अपनी 8 साल की उम्र में पहली गज़ल लिखी। आपने अपने वालिद से उर्दू सीखी और शायरी करने लगे। जॉन अपने उर्दू के एक रिसाले जिसका नाम इंशा था, उसे निकालते वक्त जाहिदा हिना से एक मुलाकात में इश्क कर बैठे। जॉन एलिया 2 बेटियों और 1 बेटे के वालिद हैं। जॉन एक नाजुक मिजाजी शायर थे। तलाक के बाद खुद को बहुत बर्बाद महसूस करने लगे और अपनी शायरी में बर्बादी की बातें करने लगे। हो रहा हूँ मैं किस तरह बर्बाद, देखने वाले हाथ मलते हैं। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। बंटवारे के चलते जॉन एलिया को किसी वजह से पाकिस्तान रहना पड़ा। फिर कराची में ही बस गए और वहाँ किताबें लिखना शुरू की। ये जानकर हैरानी होगी कि जॉन को हिंदी, उर्दू, पर्शियन, इंग्लिश और हिब्रू, ये 5 लैंग्वेज पर कुदरत हासिल थी। आगे चलकर जॉन ने कुछ किताबें लिखी, उनमें से सबसे मशहूर शायद यानी गुमान, लेकिन, गोया ये किताबें साबित हुई। अपनी तलाक के बाद जॉन ने शराब पीना चालू की और हद से ज़्यादा शराब पीने की वजह से जॉन बीमारी के शिकार बनकर रह गए। आखिरकार 2002 में जॉन हमें अलविदा कह गए। अपनी तलाकशुदा ज़िंदगी का गम जॉन की शायरी में बहुत ज़ोर से चमकता है। आप लोगों से विदा लेने से पहले जॉन एलिया के कुछ चुनिंदा खूबसूरत अशआर आपको नज़र करना चाहूँगा। बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। वो है जान अब हर एक महफिल की, हम भी अब घर से कम निकलते हैं। मेरे कमरे का क्या बयां कि यहाँ खून थूका गया शरारत में। दोस्तों, आज जॉन दुनिया में नहीं, लेकिन उर्दू की किताब में जॉन नामी शख्स आज भी जिंदा है। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं रेहान अंसारी आपसे फिर मुलाकात करूंगा अगले किसी वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।